स्टार्ट करते हैं आज अपना एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। या आप कह सकते हो बिजी के अंदर कभी कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, कभी कभी क्या होता है कस्टमर अपने आप फंस जाता है और बिजी कंपनी को ओपन करता है तो उसकी कंपनी शो नहीं होती। क्या नहीं होती उसकी कंपनी? शो नहीं होती। सर इसका रीज़न क्या है कंपनी शो नहीं होती? पहला रीज़न था ये था कि उसकी लोकेशन सही, जैसे कहाँ से कंपनी चल रही है, चौधरी के अंदर से ये कंपनी चल रही। कहाँ से कौन सी लोकेशन चल रही कंपनी? डी ड्राइव चौधरी के अंदर चल रही, ठीक है। सपोज ये मान भी चलते हैं कि हमने डी ड्राइव के अंदर में चेक करा, डी ड्राइव में गए और चौधरी के अंदर गए, क्या गए हम? चौधरी के अंदर आ गए, ठीक है। और हमारे पास चार कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि हमने लोकेशन भी सही दे रखी है, ठीक है, कि हमने लोकेशन भी सही दे रखी है, ठीक है, कि हमने डी ड्राइव में जाके चौधरी के अंदर लोकेशन भी दे रखी है सही, ठीक है, वो सब कुछ सही कर रखा है, उसके बाद भी हमारी कंपनियां नहीं शो होती। क्या नहीं होती हमारी कंपनी? शो नहीं होती। क्या है अब इसको हम डाटा को कैसे रिकवर? कभी कभी कस्टमर सोचते हैं कि उनका डाटा ही उड़ गया, बट डाटा उड़ता नहीं है। अभी तो आपकी कंपनी शो हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ है कि कंपनी में लोकेशन तो कंपनी दिखाता है पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कंपनी शो नहीं होती। जैसे वो उस कंपनी को क्लिक करता है तो लिख के आता है नो कंपनी, कंपनी फाउंड। रिलीट भी नहीं होती, लोकेशन भी सही रहती, सब कुछ सही होता है, सब कुछ ओके रहता है, सब कुछ। ये मानिए ना, लोकेशन भी उसकी सही होती है, हर चीज एक्यूरेट होती है, फिर भी हमारी, फिर भी हाँ सब कुछ ओके होती है। फिर सर ऐसा क्या रीजन कंपनी सही नहीं होती? जब ऐसी आपके साथ प्रॉब्लम आएगी तो जरूर दो चीजों को नोटिस करो। क्या चीज? कि तीन वर्ड के बाद पी लिखा हुआ है या नहीं। अगर मैं तीन वर्ड के बाद पी हटा दूं तो उसकी कंपनी अब फाइंड ही नहीं होगी। अगर आप यहाँ आके ओपन कंपनी में देखेंगे तो आप लोगों को कंपनी मिलेगी नहीं। पहला तो एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर उसका पी वर्ड हट गया है तो आपकी कंपनी शो नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। एक रीज़न तो ये होता है कि जब कंपनी पी वर्ड डाल दिया और कंपनी बाद में शो नहीं हो रही है, ये पहला रीज़न था जिससे कंपनी आपकी शो नहीं होती, ठीक है। सर दूसरा रीज़न क्या है? अब देखो स्कैप करूँ, क्विट करूँ तो आपको चार कंपनी दिख रही है चार कंपनियाँ। दूसरा रीज़न ये आता है कि कभी कभी ना हमारी जो फाइल होती है, जो डी ड्राइव के अंदर जाके कहाँ पर, दीपक चौधरी के अंदर जाके, ठीक है, ये फाइल के अंदर हमें क्या करना है? जब आपकी कंपनी यहाँ शो नहीं होगी तो इस फाइल को अंदर आना है। ये नोट पैड की फाइल होती है, कौन सी होती है? नोट पैड की फाइल होती है। और इसको क्या करेंगे, एफ टू करके ओपन करेंगे और क्या लिखेंगे आप हम पासवर्ड, एक इसको अब एक्सिस फाइल में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? एक्सिस फाइल में। तो उसका कोड होता है MDB। क्या होता है? MDB, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एक्सिस फॉर्मेट हो जाएगा। और फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे? MDB। तो ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया? एक्सिस फॉर्मेट। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद इस कंपनी को ओपन करना है। क्या करना है? कंपनी को ओपन करना है और यहाँ पर क्या लिखना है? पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जब आप लिखोगे तो आप उसके अंदर याद रखना है कि पासवर्ड लिखना है आपको आई लव माई इंडिया। बट जब भी आप पासवर्ड लिखोगे तो कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना है। क्राइटेरिया, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, लव का पहला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, माई का एम कैपिटल और बाकी इंडिया पूरा कैपिटल। ये पासवर्ड होता है जो आप लोगों को इसके अंदर डालना है। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी करा और अंदर यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आपकी देखिए फाइल नीचे रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिपेयर हो जाएगी। देन ओपन में जाना और इसको अनेबल कर देना। बस इतना करेंगे तो जो आपकी फाइल थी वो वापसी आ जाएगी। इसको काट दीजिए। अभी आपने किसको अनेबल करा है? ईआर को। ऐसे आप डीपी को भी करेंगे, डीपी को ओपन करेंगे एंड देन इस पर कंट्रोल वी करके पासवर्ड डालेंगे एंड ओके कर देंगे। बस यही एक काम आपको करना है जब भी आप इसको करने जाएंगे। ये आपका पहला टास्क है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ से कंपनी शो होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? ये एक तरीका है कि आपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं जब आपकी कंपनी फाइंड नहीं हो रही है। क्या नहीं? देखो अब आ गया। अब इसको ओके करोगे तो डाटा आपका रिपेयर हो गया होगा। क्लियर है? तो एक तरीका यह है कि अपने डाटा को आप कैसे ला सकते हो। एमडीडी फाइल से दोबारा उसमें लाएंगे। राजू आप लेट हो गए। तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारी एक कंपनी ना यहाँ पर फाउंड नहीं हो रही थी। क्या हो रही थी? कंपनी की लोकेशन भी सही थी और कंपनी हमारी फाउंड नहीं हो रही थी। जब कभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? जो हमारे पास पासवर्ड होता है, जैसे अभी हम कौन से में करें, डी ड्राइव के अंदर चौधरी के अंदर, हमारी कंपनी की लोकेशन भी क्या है? डी ड्राइव दीपक
चौधरी के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी लोकेशन भी सही होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी कंपनी ओपन नहीं होती। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उस लोकेशन में जाओगे जिस लोकेशन से आपका डाटा चल रहा है, उस लोकेशन में जो आपकी कंपनी शो नहीं हो रही उस कंपनी पर डबल क्लिक करेंगे, और ये जो नॉट पैड की फाइल है इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एक्सेस फॉर्मेट। तो यहाँ पर लिखेंगे MDB, क्या लिख देंगे MDB, और इसको एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे आपकी कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेस फॉर्मेट। फिर आप F2 करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे MDB, और फिर इस पर एंटर मार देंगे। देन जैसे ही हो जाएगा इसको ओपन करेंगे एक बार, और क्या पासवर्ड लिखेंगे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पासवर्ड कुछ और भी डाल सकते हैं, पासवर्ड यही है तो और क्या डालोगे, यही है। कॉपी करा, ठीक है आ गया, एंड अनेबल ठीक है, हाँ बस फिर आपकी डाटा वापसी आ जाएगा। ये एक तरीका है जिससे आप डाटा को वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग किसे डाटा को रिकवर कर सकते हैं, ये एक हमारा तरीका जिससे आप डाटा को रिकवर कर सकते हैं।